मिले, समृद्धि मिले, मिले खुशियाँ अपार, आपका जीवन सफल हो जब आए गणेश जी आपके द्वार। गणेश चतुर्थी की आपको और आपके परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का त्यौहार भगवान गणेश के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार विघ्नहर्ता गणपति बप्पा का जन्म भादो माह की शुक्ल पक्ष चतुर्थी को हुआ था। उनके जन्मदिन को गणेश चतुर्थी के रूप में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी का उत्सव देखने के लिए लोग दुनिया के कोने कोने से आते हैं। यह उत्सव पूरे 10 दिनों तक चलता है और अंततः गणेश चतुर्थी के दिन गणेश मूर्ति विसर्जन के साथ समाप्त होता है। पर पिछले 2 सालों से कोरोना के कारण हम सबका यह त्यौहार लॉकडाउन में बीता, जिसके चलते इस त्यौहार की रौनक थोड़ी फीकी सी रही। लेकिन इस साल यह त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाने वाला है और इस बात का सबूत है हर गली मोहल्ले में लगी गणेश मूर्ति की दुकानें, जो यह साफ बताती हैं कि इस साल गणेश चतुर्थी कितने हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाएगी। पर दोस्तों, गणेश चतुर्थी पे खुशियां आने के साथ साथ एक सवाल भी उठता है कि क्या इस साल भी पीओपी और सीमेंट से बनी मूर्तियों को नदियों में बहा के उन्हें दूषित किया जाएगा। दोस्तों, देश के जागरूक नागरिक होने के नाते ये हम सब का फर्ज बनता है कि हम सब इस सवाल पर गौर करें। केवल प्लास्टिक को बैन करने से देश पॉल्यूशन मुक्त नहीं हो जाएगा, उसके लिए हमें हमारे दिनचर्या में छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। जैसे कि हम भगवान गणेश की मूर्तियों का निर्माण देसी गाय के गोबर से कर सकते हैं। इससे काफ़ी सारे फायदे हो सकते हैं, जैसे गोबर से बनी प्रतिमाओं के पूजन के बाद इन्हें पानी में डालकर आसानी से विसर्जित किया जा सकता है। विसर्जन के बाद इसके पानी को पेड़ पौधों में खाद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। साथ ही अगर हम इसका विसर्जन नदियों में कर रहे हैं तो यह मछलियों के खाने का काम भी कर सकता है। यह काफ़ी कम लागत में बन जाता है, साथ ही मार्केट में काफ़ी अच्छे दामों में बेचा जा सकता है, जिससे हर वर्ग के लोग बड़ी ही आसानी के साथ खरीद सकते हैं। गोबर से बनी मूर्तियों का महत्व शास्त्रों के आधार पर भी काफ़ी है, क्योंकि शास्त्रों में गाय का गोबर शुभ माना जाता है। शास्त्रों में बताया गया है कि गाय में अनेक देवी देवताओं का वास भी होता है। गाय के गोबर का भी बहुत महत्व है। किसी भी स्थान को पवित्र करने के लिए गाय के गोबर का प्रयोग किया जाता है। पूजा अर्चना और मांगलिक कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार गाय का गोबर देखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अब जब इससे इतने ज़्यादा फायदे होते हैं, फिर तो इसकी मूर्ति बनाना बनता है। तो चलिए जानते हैं कि आप इससे मूर्ति किस प्रकार से बना सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आप 1 किलो उपले के पाउडर में 100 ग्राम गवार गम मिलाकर उसे अच्छे से गूंद लें। इसके बाद यह किले की तरह तैयार हो जाएगा। इस किले को सांचे में डालकर मूर्तियां तैयार कर लीजिए। अब किले फिल करने के बाद अच्छे से उसे फिल करके दबा दीजिए, उसके ऊपर एक रोलर फेर दीजिए। साथ ही अगर कुछ एक्स्ट्रा किले भर गई है उसमें तो उसे भी निकाल दीजिए। गवार गम की मदद से मूर्तियां काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाती हैं, गिरने पर भी टूटती नहीं है। लंबे अरसे तक पानी में रहने के बाद यह घुलती हैं। दोस्तों, है ना कितना ज़्यादा आसान। तो इस गणेश चतुर्थी यह अपने घरों में ट्राई कीजिए। साथ ही आप चाहें तो इस प्रकार की मूर्तियां बनाकर बेच भी सकते हैं। तो चलिए, आज की यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही यह अद्भुत और इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने का तरीका आप और परिजनों के साथ साझा करें। एक बार फिर आपको और आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।